वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, पवनदीप की जीत पर आखिर क्यों निकले अरुणिता के आंसू? क्या पवनदीप की जीत अरुणिता को बुरी लगी? लेकिन पवनदीप और अरुणिता तो गहरे दोस्त हैं। फिर ऐसा क्या चुभ गया अरुणिता को? चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 का फिनाले और इस फिनाले के विजेता बने पवनदीप राजन। वैसे तो पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पवनदीप राजन ही विजेता बनेंगे, लेकिन जब पवनदीप ने ट्रॉफी उठाई तो क्यों अरुणिता के आंसू निकल गए? क्या अरुणिता को उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगी? क्या वो दिल में आस बांध कर बैठी थी? क्या पवनदीप का ट्रॉफी उठाना अरुणिता को बुरा लग गया? ध्यान से सुनिए क्या हुआ था। हुआ कुछ यूं कि अरुणिता की माँ काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इंडियन आइडल के फिनाले को लेकर, और वो ये भी जानती थी कि अगर अरुणिता को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पवनदीप है। और जब पवनदीप राजन जीत गए तो अरुणिता की माँ के दुख के मारे आंसू निकल आए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनकी बेटी जीत जाएगी। लेकिन जब अरुणिता ने अपनी माँ को देखा, अपनी माँ के आंसू पोंछे, तो अपनी माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देख अरुणिता भी इमोशनल हो गई और उनके भी आंसू निकलने लगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने इस नज़ारे को देखा और अरुणिता ने अपनी माँ को समझाया कि मम्मी, हर बार हम ही जीते ये जरूरी नहीं होता। मैं पवनदीप के लिए बहुत खुश हूँ और देखना, आने वाले समय में हम दोनों का ही फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आपको मेरे लिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, साफ हो चुका है कि अरुणिता को पवनदीप की जीत से जरा भी दुख नहीं है, बल्कि वो अपने दोस्त के लिए सच में खुश है। क्या कहेंगे आप? कमेंट्स में लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।